सिरोही जिला मुख्यालय पर पिछले दो दिनों से एक वीडियो तेजी से लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें युवाओं की खतरनाक हरकतें साफ नजर आ रही है। यह वीडियो शनिवार रात 10:30 बजे से 11 बजे के बीच का है और ब्यावर पिंडवाड़ा फोर लाइन स्थित सारनेश्वर जी पुलिया के पास सर्विस लाइन का बताया जा रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक एक खुली जीप में खड़े होकर मस्ती कर रहे हैं। उनमें से एक युवक आतिशबाजी के पैकेट लेकर रॉकेट दागने लगता है। ये रॉकेट कभी जीप पर सवार लोगों की तरफ तो कभी फोर लाइन हाईवे की तरफ और कभी पुलिया की तरफ दागे जाते हैं। उस समय पुलिया से एक ट्रोला गुजर रहा होता है, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, हादसा टल गया। यह बताया जा रहा है कि इस स्थान पर बर्थडे पार्टी के दौरान आतिशबाजी की घटनाएं पहले भी 2-3 बार हो चुकी है। जिस पुलिया के पास से बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी, वहां से ब्यावर पिंडवाड़ा फोर लाइन के अलावा कांडला राजमार्ग की शुरुआत होती है। इस राजमार्ग से गुजरने वाले वाहनों में अक्सर गैस टैंकर, पेट्रोल और डीजल के वाहन होते हैं, जिससे किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। रात 10:30 बजे और 11 बजे के बीच इस रूट पर न तो फोर लाइन के कर्मचारी होते हैं और न ही पुलिस प्रशासन के कर्मचारी रहते हैं। इस गैर हाजिरी का फायदा उठाकर कुछ युवक आतिशबाजी के नाम पर वाहन चालकों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस खतरनाक हरकत पर रोक लगाने के लिए टोल प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जो चिंता का विषय बना हुआ है।